चीन ने 1 अक्टूबर को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। चीन ने राष्ट्रीय दिवस पर सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया। अपने राष्ट्रीय दिवस पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान की ओर से 38 लड़ाकू विमान उड़ाए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की ओर से बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी गई। ताइवान की ओर से आए इस बयान पर चीन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने शुक्रवार को पहले 25 लड़ाकू विमान उड़ाए, इसके बाद उसी रात 13 लड़ाकू विमान ताइवान की ओर भेजे। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया कि चीनी लड़ाकू विमानों की उड़ान देख वायु रक्षा प्रणाली को एक्टिव कर उन्हें ट्रैक किया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि चीनी विमानों की मूवमेंट देख हवाई गश्ती बलों को भी एक्टिव कर दिया गया। बताया जा रहा है कि चीन की ओर से 25 लड़ाकू विमानों में 18 J-16 फाइटर जेट और 2 H-6 बम वर्षक विमान शामिल थे। गौरतलब है कि पिछले ही हफ्ते चीन ने ताइवान की ओर 24 लड़ाकू विमान उड़ाए थे। पिछले कुछ साल में चीन लगभग हर रोज ताइवान की ओर से अपने लड़ाकू विमान भेजता रहता है। बता दें, साल 1949 में चीन के गृह युद्ध के दौरान ताइवान अलग हो गया था। चीन ताइवान पर दावा करता रहा है। चीन की ओर से ताइवान पर कब्जा करने के लिए बल प्रयोग किए जाने की संभावनाओं को भी खारिज नहीं किया गया है। बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ताइवान के शामिल होने का विरोध करता रहा है। चीन ताइवान के शांतिपूर्ण विलय की बात तो करता रहा है, लेकिन उसने ताकत के इस्तेमाल को भी कभी खारिज नहीं किया। यही नहीं, चीनी वायुसेना के फाइटर जेट अक्सर ताइवान के क्षेत्र में घुसते रहते हैं। ताइवान इसका विरोध भी करता है, लेकिन चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आता। वो लगातार ताइवान की सीमा में घुसपैठ की कोशिशें करता रहता है, और इस बार भी चीन ने यही करा। खैर, चीन की फितरत में ही चालबाजी है। ताइवान की तरह अन्य देशों की जमीनों और संसाधनों पर भी चीन की नजर रहती है, और मौका मिलते ही वो उन संसाधनों को भी हथियाना चाहता है। कई देशों के साथ ऐसा करने में वो सफल भी हो चुका है, लेकिन ताइवान उसका जमकर विरोध करता रहा है। चीन जब भी ताइवान के वायु क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश करता है तो ताइवान उसके जहाजों को मिसाइलों के निशाने पर ला देता है। तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान को चीन के खिलाफ अमेरिका का भी पूरा समर्थन मिलता है, जिसे चीन बिल्कुल पसंद नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।